उनके नेचुरल बॉन्ड चिल्ड्रन को या अडॉप्टेड चाइल्ड को ना मिले आफ्टर देयर डिमाइस तो वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इन एनी वे द लाइक जिस मर्जी को जब मर्जी वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं देर इज नो बार टू इट अडोप्शन इज नो बार

उस टाइम के दौरान वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं इंटर इंटरवीव यानी कि बिटवीन टू लिविंग पर्सन किसी को अपने होते हुए प्रॉपर्टी सौंप सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी अब आपकी हो चुकी है मे बी बाय वे ऑफ सेल और गिफ्ट उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी अब इस चीज से हमें यह क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी अडॉप्टेड चाइल्ड की नहीं है या नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन की नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी हैज़ एलिनेटेड इट हैज़ ऑफ है ऑनर कौन है अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं या फिर प्रॉपर्टी बाय वसीयत फॉर गाइस एक पेरेंट ने अडॉप्टिव फादर या मदर ने एक वसीयत लिख दी

रिस्ट्रिक्शन और यू नो अ लिमिटेशन ऑन देयर राइट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी इनका जो राइट है वो अनब्रिडल्ड है अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड या वो राइट सरकम्सक्राइब नहीं है अडॉप्शन कोई बार नहीं है अगर वो

अडोप्टिव uh, पेरेंट्स के बीच में और नेचुरल पेरेंट्स के बीच में ऑन बिहाफ ऑफ दैट अडॉप्टिड चाइल्ड जो बिलो 15 इयर्स ऑफ एज होता है ऑर्डिनारी अगर उसके बिहाफ पे कोई अग्रीमेंट ऑलरेडी हुई है देन सब्जेक्ट टू दैट अग्रीमेंट फिर वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते so, अगर प्रायर एक अग्रीमेंट हो चुकी है दैट विल बी अ रिस्ट्रिक्शन और अ लिमिटेशन ऑन दिस पर्सन राइट टू डिस्पोज ऑफ दर प्रॉपर्टी अदरवाइज अनटिल एंड अनलेस कोई अग्रीमेंट ऐसी नहीं हुई है प्रायर टू अडॉप्शन दे आर फ्री टू डिस्पोज ऑफ दर प्रॉपर्टी यही सिर्फ सेक्शन थर्टीन में लिखा है आई होप गाइज सेक्शन थर्टीन इज क्वाइट क्लियर टू यू स्टिल गाइज इफ एव एनी डाउट्स परटेनिंग टू इट प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स आई विल रिप्लाइन टू ऑल डाउट्स एंड क्वारीज टिलइज कीप लर्निंग कीप शाइनिंग सेफ एंड बाय